दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेट का जॉब आपको कैसे मिल सकता है, कैसे आप क्वेट का जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे भाइयों को क्वेट में आना है लेकिन इनको ये पता नहीं है कि क्वेट का जॉब कैसे मिलता है। इतने सारे भाइयों को क्वेट का जॉब के लिए अप्लाई करना है, आज का ये वीडियो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। 2 मिनट का वीडियो होगा, 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले क्वेट में जॉब के लिए आपको चाहिए एक वीज़ा। बिना वीज़ा का आप क्वेट में नहीं आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी काम के लिए आप अप्लाई करेंगे उस काम का आपको वीज़ा चाहिए। तो क्वेट में जॉब अप्लाई करना है, अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, सबसे पहले ये मैटर करता है कि आपको कौन सा काम में जाना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। जब आपके पास आपको पता लग जाएगा कि मैं इस काम के लिए मैं जा सकता हूँ कुवैत में, तो सबसे पहले देखिए आपका आसपास का, आपका रिलेटिव, रिश्तेदार, फ्रेंड कोई कुवैत में है या नहीं है ये देखिए। अगर है तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनका थ्रू आइए। उनका थ्रू आने से ये बेनिफिट होता है कि वो आपको जो काम के लिए वीज़ा देंगे, जो इतना सैलरी बताया जाएगा आपको उतना ही मिलेगा, जितना वर्ड्स का ड्यूटी बताया जाएगा उतना ही मिलेगा। अगर आपके पास इनकेस नहीं है तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कुवैत में भेजा है, बहुत सारे जो जेन्युइन है। फ्रॉड भी बहुत रहते हैं, उनसे बच के रहिए। जो जेन्युइन है उनका थ्रो जाइए, उनके पास जाइए, जाके ये बताइए कि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, मेरे को इस काम के लिए कुवैत में जाना है। बड़ा बड़ा कंपनी का हमेशा वैकेंसीज एजेंसी के पास रहता है, तो उनका थ्रो आप आ सकते हैं। अगर उनका थ्रो भी आपको नहीं आना है, अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो आप लिंक्डइन में जाइए, अपना CV बनाइए, CV को वहाँ पे अपलोड कीजिए। लिंक्डइन में अगर आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो बहुत सारा जॉब कैटेगरी उधर कुवैत के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको कुवैत में जॉब मिल जाएगा, आप कुवैत का जॉब हासिल कर सकते हो, कुवैत का जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यही तरीका है, क्योंकि इसमें वीज़ा का ज़रूरत है, वीज़ा ऐसे ही मिलेगा आपको। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।